हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको विंडोज 7 में मंगल का रेमिंगटन गेल, CBI और इन स्क्रिप्ट फॉन्ट इंस्टॉल करना सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि बाद में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिससे कि आपका फॉन्ट सही से वर्क कर सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके लिए यह जानना होगा कि हमारी जो विंडो है वह 32 बिट की है या 64 बिट की है। इसके लिए आपको अपने माई कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टी पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे मेरी ये विंडो है, यह 32 बिट की है, देखिए। तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दी हुई हैं जो कि 32 और 64 बिट दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं। तो अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आप वो वाली लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, और यदि आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आप 32 वाली लिंक से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो वह किस इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे मेरा 32 बिट का है तो मैंने 32 बिट वाला डाउनलोड किया है। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूं और इस पर एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देता हूं और उसको आप ओके कर देना। तो ये देखिए, फाइल का फोल्डर बन के मेरे सामने आ गया है। दोस्तों, अब मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा, इसके बाद फिर ओपन करूँगा और इसका ये वाला सेटअप चला दूंगा, हिंदी इंडिक इनपुट 2। दोस्तों, अगर आपके पास विंडो 10 है तो मैंने विंडो 10 के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसको जस्ट मी करके नेक्स्ट कर दीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद इसको पूरा इंस्टॉल होने दीजिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि अच्छे से आपके कंप्यूटर में यह फॉन्ट सेट हो जाए और आपको टाइपिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी यह सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ यह पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड डाला हुआ है इसलिए आया है। आपके में पासवर्ड नहीं मांगेगा, सीधा इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यह इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए हम अपना MS Word खोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार की विंडो मेरे सामने आ गई है। अगर आपके में यह शो नहीं हो रहा है तो आप अपने टास्क बार में देखिएगा, यहाँ EN लिखा आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इस EN पर क्लिक करना है, इसके बाद हिंदी कर देना है। हिंदी के बाद यहाँ पर I2 लिखा आ जाएगा। दोस्तों, अभी एक सेटिंग और करनी है, हमें HI पर क्लिक करना है और शो द लैंग्वेज बार पर क्लिक करना है, जिससे यह लैंग्वेज आर आपके सामने शो हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको सेटिंग पे जाना है और कीबोर्ड में देखिए, अब इतने सारे आपके पास कीबोर्ड लेआउट आ गए हैं। आपको अगर ट्रांसलेटर पर करना है तो यह ट्रांसलेटर पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। उसके बाद अगर आपको रेमिंगटन गेल पर करना है तो रेमिंगटन गेल पर कर सकते हैं, रेमिंगटन CBI पर करना है तो रेमिंगटन CBI पर कर सकते हैं, और हिंदी इन स्क्रिप्ट पर करना है तो हिंदी इन स्क्रिप्ट पर भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी आकृति वगैरह जो फॉन्ट होते हैं वह सारे आपके कंप्यूटर में आ गए होंगे।
तो मैं अब आपको जरा रेमिंगटन गेल में टाइप करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो टाइपिंग है वो रेमिंगटन गेल में करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो बड़े ही आसानी के साथ आपके कंप्यूटर में यह फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।